ओरिजिनल गाना जिस फिल्म का है वो तो ऑस्कर में, और इधर क्या है, पंटर लोग रहते हैं चाल में नमूने साले, पानी मिल गया खुश हो गए, लेकिन इनकी खुशी में जहर घोलने आएगा वो भड़वाज परवीन सेठ चाल का मालिक, पोपटलाल चुन्नी लाल गरोड़िया का पोता। अपने मुंह में सरंसा डाल के चुप करके बैठो, बैठो बैठो। मैं क्या, हाँ तू बोल भाई प्रवीण सेठ। मैं क्या बोलूं, आप लोग शांति से मेरी बात सुन कर रहे हैं? अबे कुतिए, ज्यादा फुटेज मत खा, चल आगे बोल चल। देखो मैं आप लोगों को बेघर नहीं करना चाहता। यहां कुछ 150 फुट की जगह है आप लोगों की इस चाल में, खाली कर दो। मैं देवनार में आप लोगों को 175 स्क्वायर फुट की जगह दिला दूंगा, वो भी सेल्फ कंटेंट, ना पानी की टेंशन ना नहीं है संडास में लाइन लगाने की टेंशन। अरे घर में संडास की हमें जरूरत नहीं है, अरे इधर लाइन लगाने के बाहर हताश नहीं है। जो कुछ देना है ना वो यहाँ ही दे दो, यहाँ ही बिल्डिंग बनाओ, देवनार क्यों? अरे देवनार पैसे वैसे मत समझना भाया, हाँ बाजू में बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे हुआ है, 1.5 घंटे में पूना पहुंचोगे। क्यों प्रवीण सेठ? क्या रे, तेरे बाप के शादी में जाने का क्या रे लंगड़े, तू आएगा हमारे साथ देवनार? साले ने 7-8 खोली लेके रखी है इधर। डॉक्टर साहब मक्कल, अरे वो चश्मे तेरे पास देख रही है यार, उसकी माँ की पे। अबे पांडू देती है तो ले लेना, लाइन लाइन आप बात करो, तू ले लेना। आप लोग खामखा जज्बाती हो रहे हैं, जरा सुन तो ले कि परवीन भाई कहना क्या चाहते हैं आपको। ओ डॉक्टर, ओ तो जप करके बैठ जा, ओ 6 महीने से ऊपर हो गया, तूने यहाँ के दवाखाना लेके रखा हुआ है, ताला उसका आज तक नहीं खुला। ओए हम तो माई बीमार होने को तरस गए। बड़ा वकील परवीन भाई का। अरे भाई मैं तो सोच रहा था हॉस्पिटल बना के आप लोगों का मुफ्त इलाज हो जाएगा। हेलो मुफ्त इलाज पैण के टके, और जब तेरा बाप मरा था तो उसको जलाने से पहले तूने उसका गुर्दा तक बेच दिया था, तू क्या मुफ्त में इलाज करेगा वो? और सुन लो भाई सारे सुन लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश की है, हाँ लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। अब मैं देखता हूं कैसे बचती है ये चाल। चाली हमको जान से प्यारी है, इस चाली में दुनिया हमारी है। सुखविंदर है, इकबाल है, सूर्यकांत है, रमाकांत है, इस चाल में सब साथ है, किसकी यहाँ औकात है, आके करे दंगा यहाँ, कर दे उसे नंगा यहाँ। अरे है अच्छा, नंगा करने की बात कर रहे हो, नंगा याद रखो सबको छठी का दूध याद दिला दूंगा। बचपन यहाँ पे गुजारा है, हर प्रॉब्लम को संभाला है, दिवाली यहाँ पर मनाई है, दिवाला भी देखा बिताया है, बस ये कहानी है सबकी जुबानी है कि प्राण जाए। जिसने परवीन सेठ के ऊपर पानी की बाल्टी डाली, कौन है वो लंडोर जिसको लाइन के बगैर संडास नहीं होता? ए चर्बी चढ़ गया तुम लोगों, हाँ चर्बी चढ़ गई। कहाँ जा रही हो? कहाँ गए वो रात के सरदार, दिन के उजाले में फरार हो गए क्या साले? अबे ओ शोले के अंगल इधर आ। ए शोले के अंगल नहीं बोलना, ला बंदूक ला।
तेरी माँ की तेरी क्या बोला तू क्या बोला तू क्या बोला तेरी माँ की तेरी इधर इधर साले बिना शादी के घर आती कमीने साले मेरे को बोलते हाँ एक ऐसा फटका मारेगा अटेला तुम्हारा सब फटेला लेके घर पे जाना पड़ेगा चिट्ठे आया क्या है ना मुन्ना भाई ये सलाह नाम लेता मेरा भाई बोलने का भाई बोलने का क्या बोलने का भाई बोलने का भाई बोलने का भाई बोलने का भाई बोलने का ये भाई अरे तेरा नाटक कब से चल रहे लाए रे ये माय एक तो पहले से हटेला ज्यादा दिमाग मत चाट के देता हूँ ये चाटेगी तेरी अम्मा तेरी बीवी तेरी भाभी समझा क्या घर वालों का नाम मत ले नहीं तो दूंगा एक हाँ देखा देखा क्या देखा देखा पापलेट के जितने टुकड़े होंगे ना उससे डबल तेरे टुकड़े कर लेंगे समझा क्या अरे तुम लोग सब मवाली लोग हो यार अरे मजाक कर रहा था मैं भूतिया क्या अरे परवीन सेठ उस भूतिया की वजह से मैं इधर आया काय को खाली करोगे तुम चाल इतने साफ सुथरी चाल इतने साफ सुथरे संडास इतने कुतरे लोग अरे साफ सुथरे लोग क्यों खाली करोगे आए तो बोला पांडो उसको बोला पांडो ठोक डालेंगे चल निकलना निकलता हूँ ना तुम लोग पंटर लोग सॉलिड हो लेकिन कभी गेम बीम बजाने को आ जाना फर्स्ट क्लास ये झाड़ू वाले अच्छी है पोपटलाल चुन्नीलाल गरोड़िया चाल यानी पीसीजीसी का मैदान इस वक्त 12 की धूप से फ्लड लाइट की तरह रोशन हो रहा है गिल्ली की टीम की कच्ची धूप इलायची इस वक्त नल की तरफ से बॉलिंग करने जा रही है कच्ची धूप इलायची मैदान में और मैदान के बाहर गाली देने में मास्टर है सेक्रेटरी सावंत की बीवी 2 सेकंड के लिए गैलरी में आई हैं जमुना बाई संडास की ओर दूसरी मंजिल में बाजू के कामत का बूढ़ा पहली बार अपने पांव पर खड़ा सुबह से और ये इलायची की अगली गेंद माइकल ने धीरे से खेला उछाल दिया है बाहर मैदान के बाहर बॉल और ये मकवाना एंड से गुजरात का पुत्र रजनीकांत उनके साथ नए मेहमान ये मेहमान पोपटलाल चुन्नीलाल गरुड़िया चाल को ऐसे निहार रहे हैं जैसे कपिल देव बॉलिंग डालने से पहले मैदान को निहारा करते थे और बड़ी बेशर्मी के साथ गुजरात का रजनीकांत मेहमान को लेते हुए पिच के बीचों बीच ये मैच रुक गया है इलायची उनकी माँ बहने कर रही हैं और ये गुजरात का रजनीकांत मान नहीं रहे हैं सीधे ले जा रहे हैं आइए चलिए मिलते हैं नए मेहमान से कम 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 वेलकम गणपत बताया नहीं रजनी ए गणपत एक तो रमणीक बोल नहीं तो रजनीकांत बोल ये हमारा नया किराएदार किराएदार होंगे कागज पर यहाँ रहने आए ना तो हो गए चाल वाले कुछ बज रहा है नहीं पेजर है बजाइए अरे हाँ कौन सा कमरा दिया है अच्छा ताला तुम्हारा है या उनका है मोरी में नल नहीं है साले के ये रिलेटिव भी है और सिंबॉलिक भी खैर अभी तुम ये भूल जाओ कि तुम यहाँ नए हो जो कुछ चाहिए मुझे बताओ ला के दूंगा मंगा के दूंगा नहीं तो बनवा दूंगा भाड़ा मैं पूछूंगा नहीं तुम बताना भी नहीं अच्छा ये बताओ एग्रीमेंट 11 महीने का ही है ना वैसे आप करते क्या चाल में भाई ये तो वो बात हो गई जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि भाई क्या करते हो इंटरेस्टिंग वैसे मैं अमन जोशी अच्छा चाल की जिंदगी पर रिसर्च करने आया चाल में लोग रहते कैसे हैं करते क्या हैं क्या खोते हैं क्या पाते हैं क्या बात है वो एक हम हैं जिनको दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती झांकना पड़ता है और एक आप हैं जो झांकने के लिए बाहर से आए बहुत अच्छे तो आइए झांकिए ये देखिए चाल की जिंदगी ये है चाल की जिंदगी जिंदगी कैसी है पहेली तू हाय कभी तू हंसाए या ये लो कभी तू रुलाए अरे अरे ये दुकान बंद नहीं चल अरे अरे बेटी छोड़ दो अरे इसको देख क्या हुआ क्या चल रहा है ये तो रोज का छेड़छाड़ है क्या हुआ क्या चिट्टिया क्या हुआ बोलेगा अभी क्या हुआ चिट्टिया मुझे पढ़ना नहीं आता क्या हुआ तेरे को क्या हुआ अरे रोज का तमाशा है कभी हम तमाशा देखते हैं कभी हमारा तमाशा होता है रूटीन है अरे सुन 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 रिलैक्स कौन क्या है किसी के माथे पे थोड़ी लिखा रहता है भाई और लिखा भी हो तो हम थोड़ी पढ़ सकते हैं पढ़ने वाला है वो और जो उसने पढ़ा न उसे बब्बन समझ पाया न उसके घर वाले बब्बन कौन बबन क्या बोल रहा है पंटर लोग बबन साला तू गायब किधर रहता है दो दो तीन तीन दिन अरे काम के वास्ते जाना पड़ता है हे वो जाने दे
आज रात को मिलना है पता है ना खोली पर। तीन खंबे लाया हूँ, परिशन दरबार में जाएंगे, रान और तंदूरी बिंदूर खाएंगे। क्या बात है? उसके बाद में जाएंगे नीचे। और मैं क्या करेगी पांडू? तू भी चल। ए हट, अब बाप का घर है ना, जाना घर पे जाना। क्या करूँ, बाप का तमाशा देखूँ? मैं उनसे बात करूंगा। हेलो, कौन भाई? मैं बबन बोल रहा हूँ भाई। हाँ बबन बोल, कहाँ से बोल रहा है तू? संडास से। अरे किधर किधर घुसता है यार। हाँ। पांच बजा के पांच बज गया ना। ये बांसुरी पीसी जिसी का रोमांटिक अलार्म है। अभी देखिए सारे मर्द अपने अपने बरामदे में खिंचे चलाएंगे मोना के स्वागत के लिए। और फिर झन 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 झंकार झंकार बीच वाली ऑटो रिक्शा पीसीजीसी के मैदान में आके रुकेगी और बांसुरी के सुर को पकड़कर मोना धीरे से उतरे। मोना जो इस चाल के आखिरी छोर में रहती है, आजकल फिल्मों में साइड रोल और एक्स्ट्रा के काम करती है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि आज की ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा कल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार बन जाएगी। बन जाएगी ना। कुछ मत बोल और देखेगा वो देख। तू क्या देख रही है? तुझे भी वही है ना? तू चल क्या है? क्या देखते हो रोज रोज मुझे कपड़े बदलते हुए? नहीं। वही बदन है मेरा। कहो तो कल दरवाजा खुला रख के कपड़े बदलूंगी। बेशरम देख तो देखो। वेलकम टू पीसीजीसी पोपटलाल चुन्नीलाल गरोड़िया चाल। लगता है शर्मा जी का यहाँ आज मछली बनी है। यार एक काम करो दोस्त, तुम नहा के आओ जेन्युइनली। अरे यार जब तक ये नहाते हैं तब तक हम लेते हैं छोटा सा नन्ना सा ब्रेक। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति। जोश में हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। ओल्ड मोंगरा। तीन घंटे के लिए मेरे साथ चलो। कहाँ? सवाल मत पूछो, चुपचाप चलो। हा? तीन घंटे के लिए लेके गया यार, तीन घंटा यार, तीन घंटा। हाँ यार, अभी क्या करेंगे अपन तीन घंटे के लिए? घंटा ही लेंगे। ए चुप। तीन घंटे के लिए कुछ सॉलिड आइटम करते यार। अगर रूपा
की अगर रूपा की बनियान बनियान पहनोगे तो अरे तो रूपा क्या पहनेगी अभी पांडू रूपा बनियान क्यों पहनेगी वो तो ब्रा पहनेगी ब्रा समझदार दर्शक जान गए होंगे स्टैच्यू ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से हो गया 3 घंटे का ब्रेक खत्म ये सोन टकली कान टकली पिन टकली ये लड़की कौन है रे यार मद्रास 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 एक इल्ली ये चिकना देख क्या आइटम पकड़ के लाया यार जहाँ से यार वो देख देखने दे वो कहाँ जा रही है क्या कर रही है ये लड़की कहाँ जा रही है अबे गिल्ली जिसका सामान होगा उसी के घर जाएगी ना मगर ये तो सुवर्णा के घर क्यों जा रही है पांडू हाँ यार सौंदर्या मैं लूट गया यार बर्बाद हो गया यार बहुत भाव खाता था ना साले माइकल अब फट गई अरे हुआ क्या अब गू खा गू माइकल गू खाए तेरे दुश्मन अबे चुप कर यार वो लाइन मारती थी मुझ पर हट यार मरती थी मुझ पर यार मरती थी मुझ पर वो ऐसे ना 24 घंटे देखते रहती थी यार कौन अरे सौंदर्या यार अरे हटो यार हटो यार मैं अपनी जान दे रहा हूँ यार जान दे रहा हूँ माइकल माइकल यहाँ से कुछ नहीं होगा छत पे चलते अबे चुप कर यार अरे मती मारी नहीं यार मती मारी नहीं यार सौंदर्या क्या हुआ कुछ नहीं अरे तो फिर रिक्शा में किसको लेकर गए शोर कैसा था अरे पोस्टमैन का बच्चा गिर गया ऊपर से यार सर फट गया साला रोज का टेंशन अभी चटाई का इंतजाम करो चटाई छोटा बच्चा है ना जला देने उसको दफनाना पड़ेगा यार अरे मर गया क्या मर जाएगा अभी लेगा म्युनिसिपैलिटी कैजुअल्टी में भर्ती 1-1.5 भर्ती होगी हॉस्पिटल ही आएगा डॉक्टर आएगा 4, 4:30, 5, 6 बजे तक मर जाएगा 1.5-2 घंटा लेगा पोस्ट 9 बजे तक मिलेगी बॉडी अभी साला रिलेटिव लोग भी कमाल लोग हैं यार इतना दूर रहते हैं अभी बस पकड़ेंगे ट्रेन पकड़ेंगे सुबह तक पहुंचेंगे 10 बजे होगा गिर अगर हम भी अरे यार गणपत तू कैसी बातें कर रहा है यार टेंशन काहे को ले रहा तू 2-3 बच्चे हो रहे ना अभी व्हाट व्हाट वहां पर किसी की जान जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है दुख नहीं होता तुझे क्यों होगा दुख क्यों होगा दुख किसके सीने में दिल है यार 1 साल का बच्चा था अपनी मां के साथ गया था महालक्ष्मी नानी से मिलने मेरी सास के पास लौटते समय बस में बम फट गया एक झटके में दोनों खत्म बीवी बच्चा मां क्यों होगा दुख इधर तो दफनाने के लिए बॉडी भी है मुझे तो मेरे बच्चे की एक उंगली तक नहीं मिली पॉलीथिन लेके गया था क्या क्या भर के लाया मैं खून मांस के टुकड़े मिट्टी पत्थर 2 दिन रखा घर में फिर सीने पर रखा पत्थर पॉलीथिन फेंक दिया समंदर में मां क्यों होगा दुख भगवान भगवान बोल के आपस में लड़ाते हैं हजारों आदमी मर जाता है उनको दुख नहीं होता तो मुझको क्यों होगा दुख गणपत हे गणपत बहुत झगड़ा करती थी साली याद आती है बहुत प्यार भी करती थी चटाई का इंतजाम करता हूं मैं चल नहीं उसे एक अच्छे अस्पताल में लेके जाएंगे चल अरे यार मैयत में उसका बाप किससे उधार मांगेगा मालूम नहीं कहां से इलाज कराएंगे कहां से लाएंगे पैसे अरे क्या हुआ मुझे भी चाहिए क्या लोन 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 कितना 50,000 चलो कोख भरो सजना मरेंगे सब मरेंगे लोन लिया है सब मरेंगे हफ्ता चुकाते चुकाते जिंदगी गुजर जाएंगी एक ही आदमी था जो हफ्ते भर में लोन चुका सकता था उसे लोन दिया ही नहीं है
ब्लॉकबस्टरों की ब्लॉकबस्टर आ रही है अगले हफ्ते में, कभी चिक्की कभी च्युइंगम। नाम सुना है कभी चरण छूकर का? अनपढ़ साले है, मुझे तो सुनकर ही कुछ कुछ होता है। कोई मिल गया, कोई मिल गया। एक हफ्ते में एक का चार, एक हफ्ते में एक का चार। साला नसीब भी खराब है अपना। ये तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो वेंकट? बड़बड़ गान जल रही है मेरी। साला पैसा कमाने का सही मौका था, पैसा ही नहीं मेरे पास टिकट खरीदने के लिए। गया गया नहीं है, है। ये जो तुम कह रहे हो वो पिक्चर अच्छी है, बड़ी है? बड़ी है, इंडस्ट्री के तमाम कलाकार है, हीरो हीरोइन है इसमें। नाम बताऊं? हाँ हाँ। अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, काजोल, रजनीकांत, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आमिर खान, जॉनी है, लीवर है, भेजा है, रजनीकांत डबल रोल है, प्रीति है, जिंटा है, ये सारे। जे पी दत्ता। ये कौन है? सर पिट रहा था कास सुन के। कास्टिंग मालूम है क्या होता है? नहीं। तो फिर क्या घंटा मालूम है? हाँ बोलता है। पूरे इंडस्ट्री का काम बंद था जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गिरोगे? गिरोगे नहीं, चलेगी पिक्चर। तो बहुत ही चलेगी, दौड़ेगी। थिएटर के बाहर सोएंगे लोग एडवांस बुकिंग के वास्ते। हाँ, कल से देखना। साला नसीबी झांडू तो क्या करेगा पांडू? मैं झांडू? तू पांडू, मैं झांडू। मतलब? सबको पटाया था, थिएटर वालों को, पुलिस वालों को, पैसा नहीं टिकट खरीदने के वास्ते मेरे पास। कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? महिंदर बाबू, एक रुपया दोगे तो चार रुपया मिलेगा, दस दोगे चालीस मिलेगा, एक हजार दोगे चार हजार मिलेगा। एक हफ्ते में कितने लिए वहां से? पचास रुपए लिए है? नहीं, पचास हजार। पचास हजार मुझे दे देना, एक हफ्ते में दो लाख रुपया दूंगा। पचास हजार मेरा, डेढ़ लाख तुम रखना। पचास हजार उसको देना, एक लाख ठस ठस ठस। ठीक है, लेकिन पिक्चर तो चलेगी ना? चलेगी। दौड़ेगी? डाउट? नो डाउट। नो डाउट चलेंगी पिक्चर। ठीक है, ये ले लो पैसे। लेकिन किसी से कहना मत। मैं बीवी से कह दूंगा कि बैंक में रखे हफ्ते भर के लिए। आहिस्ता महेंद्र बाबू, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अगले हफ्ते में बीवी को लेकर हनीमून जाना। कहाँ? कश्मीर। लेकिन वहाँ तो आतंकवादी रहते। तो फिर छोटा कश्मीर जाओ। वो कहाँ है? गोरेगांव के पास। टेंशन 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 टेंशन। चरण छूकर ने सबको जोकर बना दिया। मतलब सारे पैसे नहीं लाया, कितने? 20। हाँ 20 बस। मरमर के आधे भाव में टिकटें बेची, कोई ले नहीं रहा था। आधे भाव तो और पांच हवलदार लेगा। बोला आधे भाव में बेच रहा है, लेकिन ब्लैक से तो बेच रहा है ना। फिर भगवान, अब मैं क्या करूं? के नीचे कब से बड़बड़ कर रहे रे? आगे कुछ बोलेगा भी? जब बोलूंगा तुम सबकी खोलूंगा। अरे ओ मकवाना, निकाल तो जरा पेपर और लगा निशाना इन कुत्तों पर। गौर से देखो चाल वालों, यही पेपर साइन किए थे ना तुम सियानों ने लोन लेते वक्त? देखो देखो। अरे ओ मकवाना, उस रोज चाल में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको। अवसर मिलता तो वही इनका टेटवा दबा देता, मगर करता क्या, चारों तरफ से चाल वालों ने घेर लिया था। सालों के मुंह में गाली, मेरे सर पे बाल्टी खाली, मुन्ना की तो हवा ही निकाली। हैं? याद है? याद है? तब क्या कह रहे थे आप लोग, ये चाल नहीं हमारी माँ है। देखो माँ की तो लग गई। बल्लू एक मिनट इकबाल, ये फालतू की बकवास बंद कर और सीधी सीधी तरह बता, ये पेपर है क्या जो घंटे भर से दिखा रहा है? ये पेपर नहीं है, तुम्हारे बेघर होने का पैगाम है। ट्रक के पार्टियां बदलने के लिए लिए थे ना पैसे, हैं?
आपने बच्चे की नौकरी के लिए लिए थे पैसे? बीवी के ऑपरेशन के लिए लिए थे पैसे? ये रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? चाल में अबे हट, नहीं तूने तो लिए ही नहीं थे पैसे, बेकार की बात करता है। दुबई जाने के लिए लिए थे ना पैसे बेटा? सुनो चाल वालो, इस पेपर में लिखा हुआ है कि पैसे दुगने करके 6 महीने में लौटा दोगे। 4 महीने तो हो गए, अब कितने बचे मकवाना? सिर्फ 2 महीने मालिक। मगर ये पेपर तुम्हारे पास कैसे? हमने तो लोन अमन से लिया था। अमन? अनपढ़ गवार साले। अमन तो मेरे ही चमन का एक फूल था, ब्लडी फूल। अब 2 महीने में यहाँ बुलडोजर चलेगा, मेरा पीतल वाला कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा। अब चाल वालों, 2 महीने अगर नल में पानी ना आए तो अपने आंसुओं में नहा लो। अलविदा। 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 अरे कैसा पति चाहती है तू? सौंदर्य बेटा, 50 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुकी तू। आपको तो खुश होना चाहिए दिवाकर साहब, इतने सारे लड़के आपकी बेटी को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, और आज आपकी बेटी की बारी है इन्हें रिजेक्ट करने की। लेकिन किसी को तो पसंद करना चाहिए। हाँ। सबको चाय पानी करने में 3 महीने की तनख्वाह निकल गई। मैं तो उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन बेटा उसका नाम तो बता दे। वो माइकल से। सौंदर्य। हाँ माइकल, मैंने तुम ही से प्यार किया है। और मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। मेरा सिर्फ चेहरा बदला है, दिल नहीं बदला। सौंदर्य। माइकल। सौंदर्य। माइकल। फ्रीज। शुरू होने जा रहा हिंदी फिल्मों में लाखों बार देखा हुआ सीन, एक्शन। माइकल। सौंदर्य। एक मिनट, अब क्या गाना वाना गाने का रहता है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ये क्या हो रहा भाई? भैया ये सून सून वेडिंग हो रहा है। वो क्या होता है? भैया देखो, अंग्रेज लोग जब हमारी शादी दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं मॉनसून वेडिंग, और जब हिंदुस्तानी लोग शादी दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं सुन सुन वेडिंग। मतलब? इसका मतलब चट। भाया, भाया ये कौन है भाया? इसे कम दिखाई देता है क्या? अरे बेवकूफ, ये इंडिया का टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट है, नाचीज कारपेंटर। इस एरिया का सर्वे कर रहा है। एक महीने बाद यहाँ बुलडोजर घूमेंगे। 20 माले के 3 शानदार टावर खड़े हो जाएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, जैकूजी, जॉगिंग ट्रैक, सब कुछ होगा। मुंबई की शान होगा मेरा पीतल वाला कॉम्प्लेक्स। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा प्रवीण। जब तक जान में जान है मैं हरगिज पूरा नहीं होने दूंगा। अरे एहसान फरामोश है? नमक हराम है? मेरे ही टुकड़ों पर पलकर आज मेरे ही सपनों के टुकड़े करने की बात कर रहा है। मैंने तुम्हारा नमक खाया इसलिए चुप हूं, वरना 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 क्या कर लेगा? मद्रास, मद्रास, मद्रास। एक सोते हुए शेर को मत जगा प्रवीण। अच्छा तो मेरा पाला हुआ कुत्ता शेर बन गया? अपनी जबान को लगाम दे प्रवीण। फिर से मद्रास, फिर से मद्रास, फिर से मद्रास। प्रवीण। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। आज नमक का कर्ज अदा हो गया। बारूद के ढेर पर बैठकर तूने जंग का ऐलान किया है। आओ फाइटिंग फाइटिंग खेलें। जान की सलामती चाहता है तो भाग निकल यहां से, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा। सुना तूने? और मैं भी तेरे को ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे मरने के बाद
फिर अब जनाजा उठाने वाले खौफ से कांप जाएंगे। जान ले लूंगा मैं तेरी, जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। भाइयों और बहनों, आज का यह दिन बहुत ही एक्साइटिंग था। सती को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। ओवरवेलमिंग मतलब इंग्लिश है भाई। सुबह के थके हारे लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल कुछ ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पहले माले पर मीटिंग बुलाई गई है। हाँ, अभी अभी ताजा खबर मिली है भाई। सती अपना मेकअप उतार कर मीटिंग की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। चलिए देखते हैं आंखों देखा हाल। भूमि में सती का पुनर्जीवन पुरुष सत्ता समाज की नई चाल है। सती हमारी उच्च परंपरा। अरे यार, कब से उधर तू देख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या घंटा समझ में आ रहा है? क्या वो बार बार ऐसे पल्लू गिरा दिए ना, एकदम बचक सर के दिखता है। क्या बात करते, इतना मजा आता यार। किधर? वो देख, सती प्रथा बंद करो। बंद करो ये तमाशा, हमारे पास अरेस्ट वारंट है लक्ष्मी देवी के नाम का। खबरदार, सती माता के नजदीक जाने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे। देखो, अगर तुमने लक्ष्मी को वारंट होते हुए भी अरेस्ट नहीं किया ना, तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन करेंगे। लक्ष्मी का सती जाना अगर गैर कानूनी है तो इनका अनशन करना भी गैर कानूनी है। पहले इन्हें अरेस्ट करो, हमारे पास वारंट है सती के अरेस्ट का, हम उसी को अरेस्ट करेंगे। देखो, तुम उसे तभी अरेस्ट करोगे जब वो सती जाएगी। मैं सती जाऊंगी ऐसा बोलना कोई अपराध नहीं है। निकल जाओ। लक्ष्मी को अरेस्ट करने से पहले तुम्हें हमारी लाशों पे से गुजरना होगा। यहाँ से निकल लेने में ही समझदारी है साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं सती को अभी अरेस्ट नहीं करूंगा। हमारे सुपीरियर को आपके ये सारे नेक विचार पहुंचाऊंगा। हाँ, बोलो सती माता की, बोलो सती माता की, जय जय जय। शंड हो तुम लोग, शंड। लेकिन हम लोग इस तरह चुपचाप बैठने वाले नहीं। हम लोग ऊपर तक जाकर न्याय मांगेंगे। ऊपर तक यानी दूसरे माले तक? नहीं, छत पे। यहाँ क्यों बुलाया? जैसे कि तुम जानते ही नहीं। मगर तुम तो शादीशुदा लगती हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, दूर से तो बहुत देख रहे थे। नहीं, 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 पास आई तो घबरा गए। डरो मत, समझे तुम? ये देखो इसकी मेडिकल रिपोर्ट, MRI, NRI, EEG, ECG, MRP, TRP रेटिंग्स तक लेकर आई हूँ मैं। भंवर जी, ये आदमी तंदुरुस्त है, लाइफ बॉय है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है। अरे, हार्ट अटैक से मरने वाला आदमी बोलकर थोड़ी मरेगा। कभी नहीं,
ब्रेन हैमरेज से मरने वाले आदमी दिमाग चलाकर थोड़े मरेगा। कभी नहीं। अरे अमिताभ बच्चन के काले पत्थर की लकीर है कि ये आदमी मरेगा। अरे बकवास है, बकवास। ये तो मरेगा। छोड़ दो। नहीं मरेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं? जल्दी जल्दी यम कम यम यम वेलकम टेक हिम यम 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 वेलकम कम कम वेलकम। ये मंत्र सुनकर अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं आप? ये यम वेलकम मंत्र है। अच्छा, इससे क्या होता है? इसके पाठ से 31वें दिन तुम्हें लेने स्वयं यम आएंगे। अच्छा, हट पेंचोर साले, ये मैं देखता बेशरम साले, मेरे को मार के पीछे पड़े। अरे वो स्त्री मुक्ति वाली अबला थी ना, उसका तबला बजाए गोली ने टेरेस पे। क्या चाहे तो इसको पूछ। क्या हो रहा है? बैठ, चुप हो जाओ, चाय पी ले। ओ दीदी, यहाँ क्या बैठी हो? नीचे चलो, लोग राह देख रहे हैं। जल्दी पैसे 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 हमारे घर में रखे। ओ पागल हो यार, हमारे घर में रखे? वो इतने पैसे को घर में रखता? मैं तो कहता हूँ हमारे गुरुद्वारे में सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर है, उसमें रख देते हैं। हाँ, बराबर है, जा जल्दी जाकर पैसे लेके आ। चल नहीं, वो मैं। अरे क्या बोलना जल्दी। अरे वो क्या कर रहा है, जा जल्दी जाकर पैसे लेके आ। जा जा जा। नहीं, वो वेंकट ने मुझसे कहा था कि 4 दिन में पैसे डबल करके देगा, बम्पर पिक्चर लगने वाली है, मैंने दे दिए पैसे। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब क्या होगा? क्या होगा, सती चढ़ूंगी ना, और क्या होगा। अंडे, और तुझे इतनी समझ नहीं है? वो कोई ट्रक में पेशेंट को लाद के लाता? नहीं भाई, अपनी तो मजबूरी थी, अब वो एम्बुलेंस में लेकर गए हैं, एक चक्कर चक्कर लगा के तरीके से लाएंगे, इज्जत से भर्ती करेंगे। हैं जी, चलो पोछू कच्चा में चल के सबको बताते हैं। लेकिन सूखे मेरी बात। फालतू बात नहीं करना, मेरे साथ ट्रक में बैठ। नर्स, बीपी इज राइट, माइनर अटैक है, सॉर्बिट्रेट दे दो। हां, मैं क्या हुआ? कब मरेगा ये? क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्यों मरेगा? माइल्ड अटैक ही तो है, कल तक दवाई लेके घर भी पहुंच जाएगा। अगर ये मरेगा नहीं ना, तो घोर अनर्थ हो जाएगा, हमारे संस्कृति का पतन हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, यदि ये मरा नहीं तो इसकी बीबी, इसकी औरत, इसकी पत्नी सती कैसे जाएगी? तो ये लक्ष्मी देवी का पति है। अगर आज आपने इसका इलाज नहीं किया तो इसकी मृत्यु में आपका बड़ा योगदान होगा। मेरा? फिर CNN, BBC, ABC, CBC, PUC, सब जगह एक ही खबर होगी, राजकुमारी संतुष्ट की वजह से भारतीय संस्कृति में सती प्रथा का पुनर्जन्म हुआ। मुझे कहाँ हुआ? विश्वसनीय सूत्रों से खबर आई है कि महिंदर बाबू 2 घंटे में मर जाएंगे। डॉक्टर ने दवा पानी बंद कर दिया है, आखिरी सांसें चल रही है, कभी भी रुक सकती है, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। महिंदर बाबू के मरते ही यह पुलिस आने की संभावना है, इसलिए हमारे सब बड़े नेताओं ने सती तीर्थ स्थान की जगह बदल डाली है। अब सती यहाँ नहीं बल्कि देवाजी पार्क यानी देवतीर्थ पर चिता चढ़ेगी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, एंड वक्त पर सती का वेन्यू बदले तो यहाँ पर जो सारा सेटअप लगा है हमने, उसका क्या करेंगे? दैट इज
योर प्रॉब्लम। धन्यवाद प्रभु। हमें तो सावधान रहना पड़ेगा ना। माँ, चंदन का ट्रक देवतीर्थ की ओर निकल पड़ा है। चार टेम्पो भर के शुद्ध घी आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, चाल वालों सुनो सुनो सुनो। थोड़ी भीड़ तो बढ़ाओ यार। भीड़ 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 देखो गौर से देखो, यही पेपर सेना चाल वालों, देखो गौर से देखो। नहीं ये गलत है, हमने प्रवीण से पैसे लिए और वो पैसे हम लौटा देंगे। हमें किसी के पैसे डुबाने नहीं है। हाँ। अरे पेपर्स के बिना भी तो आप लोग पैसे लौटा सकते हैं, और जब तक ये पेपर्स उसके पास मौजूद हैं तब तक आप सब लोगों को इस चाल में वो चैन से जीने नहीं देगा। गणपत क्या करें इन पेपर्स का? जला देते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 4 है ये टैक्सी में कौन है? ओ ये तो साला ब्लैकिया वेंकट, ओ पकड़ा साले को अपनी पागल जाता दिख रहा है। अरे मां की बात तो सुन, मारो मत मारो मत, ले गया हूँ उससे 3 गुना पैसा वापस लाया हूँ। बेलगान सुपर हिट। अरे नया सूट है यार। एक मिनट, 3 गुना पैसे, इसका मतलब है कि प्रवीण सेठ के पैसे ब्याज समेत वापस लौटा सकते हैं। चलो पीसीओ फोन करते हैं। एक मिनट, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अबे पांडू मोबाइल। अरेंज संतरा बीपीएल डॉल्फिन डॉल्फिन। अब ये लेटेस्ट आयल है गरुड़ा। ओ इतने सारे मोबाइल। पेंचर नेटवर्क नहीं होने का कोई टेंशन नहीं मांगता। बिल्कुल तुम लोग फोन करो, तब तक हम मूत क्या है। ए चल आठ आज तो आठ रहे हाथ मत लगा। पांडू सूट देखा है क्या कभी? हेलो प्रवीण, मैं अमन बोल रहा हूँ। बोले बोले अमन, जितना चाहे बोल ले, क्योंकि आज के बाद तू बोलने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। अरे मेरी जान की परवाह छोड़, सुन, चाल वालों ने तेरे पैसे लौटाने का बंदोबस्त कर दिया। आग लगा दो पैसे को। अमन अपनी जान के बारे में सोच, मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है, मंडरा रही है, मंडरा रही है। तुमने मेरी कंपनी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है अमन, बहुत बड़ी। अरे मेरे पीछे राम है, गोपाल है, वर्मा जी का बेटा है, तू टेंशन मत ले। और एक बात और, आज तक मेरे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकली है, लेकिन आज एक बात तुझसे कहना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी प्रवीण सेठ। सुना अमन, फिल्मी, पेरी फिल्मी, फिल्मी, पेरी फिल्मी, पेरी फिल्मी, पेरी फिल्मी, पेरी फिल्मी, पेरी फिल्मी। क्यों चिल्ला रहे हो उसके नाम से? आप मुझे देख सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं भी तो आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ, कॉमन मैन की, एक आम आदमी की। इनको इनके तरीके से जीने दो, चलो। एक मिनट, प्रोड्यूसर ने तो यार मेरी मां बहन एक कर दिया। बोलता साला तुम लोग हिंदी पिक्चर बना रहे हो, एक भी पिक्चर में गाना ऐसा नहीं इसका पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है यार। बताइए लोगों को पता कैसे चलेगा कि हिंदी पिक्चर देखा है यार? हैं? अब ठीक है उसकी बात भी, देखो पैसा लगाया उसने, हाँ म्यूजिक राइट्स भी होते हैं ना भैया। तो ठीक है आइए देखते हैं, एक ऐसा गाना है जिसका पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी आप लोग गाना कहाँ देखते हैं यार, बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, मैं चलता हूँ, प्रणाम।